बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगले आदेश तक अब बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक रहेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है और अगले आदेश तक अब बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। अगली सुनवाई अब इस मामले की 1 अक्टूबर को होगी और अदालत की इजाजत के बिना अब कार्यवाही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से तोड़फोड़ की घटना संविधान के खिलाफ है, सड़कों गलियों जलाशयों पर अवैध कब्जों पर लागू नहीं है। बुलडोजर एक्शन का महाविडंबना अब बंद हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। बता दें कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होने वाली है। और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश भर में बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगा दिए हैं, यानी किसी भी सरकार का बुलडोजर अब किसी के घर को किसी की दुकान को नहीं ढाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि बिना इजाजत जो सरकारें हैं वो बुलडोजर ना चलाएं, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी निर्माण है जो किसी पब्लिक रोड पर है, किसी रेलवे लाइन के पास है, किसी वाटर बॉडी के ऊपर है, ऐसे निर्माण को गिराने की इजाज़त रहेगी, उनको गिराया जा सकता है। लेकिन अगले आदेशों तक बिना उसकी मंजूरी के अब बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा, ये जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है। 1 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर जस्टिस को लेकर वो एक पूरी गाइडलाइन देश भर में बनाएगी और ये तय करेंगे कि आखिरकार किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी का निर्माण तोड़ने से पहले क्या क्या जो हैं वो निर्देशों का, गाइडलाइन का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो राज्य सरकार जो जिस तरह से राज्य सरकारें महिमा मंडित करती हैं बुलडोजर जस्टिस को और जिस तरह दिखावा करती हैं, उसकी इजाज़त भारत के संविधान में नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई है। तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उन्होंने कहा था इस तरह के आदेश जारी नहीं करने चाहिए, पूरे देश भर में इस तरह के मामले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने हाथ बांधे रखिए, अगले आदेशों तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी इस तरीके की। ये भी कहा कि आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर 1 अक्टूबर तक राज्य सरकारें रुक जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर तुषार मेहता को ये भी कहा कि हमें इस मामले में आपकी मदद चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन की भी मदद लेंगे, लेकिन इस तरह से जो तोड़फोड़ होती है, जो बुलडोजर जस्टिस होता है, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुनाया है। जमीयत उलेमा हिंद से लेकर काफ़ी सारी पिटीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें बुलडोजर जस्टिस को सीधे सीधे निशाना बनाया गया है और कहा गया कि एक विशेष समुदाय के लोगों पर, उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना किसी जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, क्योंकि जो आरोपी हैं या कोई किसी केस में किसी के ऊपर कोई केस है तो उसको लेकर तुरंत न्याय दे दिया जाता है, बुलडोजर जस्टिस उसका नाम दिया गया है, जबकि वो किसी भी अदालत से दोषी करार नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ किया था कि आरोपी तो छोड़िए, अगर कोई दोषी भी क्रिमिनल केस में है तो इस तरह उसका घर, उसकी दुकान नहीं गिराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सभी पक्षों से सुझाव मांगे थे कि किस तरह की गाइडलाइन इस मामले में दी जा सकती है और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, इस तरह के सुझाव आ गए हैं और अब एक बड़ी गाइडलाइन इस पर सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दखल बहुत बड़ा ये दिया है, बुलडोजर पर अब जस्टिस पर रोक लगा दी है। खासतौर पर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कि इस तरह के ऐसे बुलडोजर जस्टिस को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है, इस दिखावा के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसे मोड़ पर जहाँ पर कई राज्यों में इस तरह की तोड़फोड़ हुई हैं। बहुत सारे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और कहा है कि उनके घर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के पालन के तोड़ दिए गए हैं। हालांकि तुषार मेहता ये कह रहे थे कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, उत्तर प्रदेश में 2022 में नोटिस दिए गए थे, लेकिन जस्टिस गवई ने कहा कि 2024 में फिर तोड़फोड़ की इतनी ज़रूरत क्या थी। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ये आंकड़े भी गलत दिए गए हैं कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि 50% उसमें हिंदू भी हैं, ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भी घर तोड़े गए हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की बात नहीं मानी और सीधे तौर पर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।